इंदिरा गांधी आ रही है 5 अक्टूबर को धार के मौन के रहे, बार बार प्रियंका जी के दौरे हो रहे हैं, क्या प्रियंका ही मध्य प्रदेश में आपको लगता है असरदार होंगी, प्रभावी होंगी? देखिए सब प्रभारी होंगे, राहुल जी प्रभारी होंगे, खड़गे जी प्रभारी हैं, सबके दौरे बनाएंगे, सब दौरों में लगे हुए हैं, सबके दौरे बनेंगे। चलिए मेरा गला बहुत खराब है, वो तो मैं रोज शाम को लेता हूँ, क्योंकि आज मैं शाम को हूँ नहीं, इसीलिए अभी ले रहा हूँ। कल मातंग समाज की बैठक थी, सबसे गरीब समाज है, पूरे प्रदेश से जिले जिले से लोग आए थे, ये पत्रकार 15 आके सामने खड़े हो गए, जैसे आप बैठे हैं, उनकी सीट भी वैसी ही थी। ये मैंने उनके हाथ जोड़े, मैंने कहा आप ये इनका कार्यक्रम है, इनका कार्यक्रम में अड़चन मत पैदा करिए, तो आप जितना वैसे मैं खड़ा जाता हूँ, जब आपका प्लेट भर जाए मेरे से तो आप शिफ्ट हो जाइएगा, पर इनका प्रोग्राम आप खराब मत करिए। ये बेचारे गरीब लोग हर जिले से आए, करीब 15-16 लोग थे, इनमें दो कहते हैं हम तो हटेंगे नहीं। मैंने कहा मुझे धमकी दे रहे हैं, साफ बात है, रिकॉर्ड की बात है, मैंने कहा मुझे धमकी दे रहे हैं, बोला हम नहीं हटेंगे। मैंने कहा ठीक है तो मैं आपको हटवाऊंगा, कौन सा गलत किया मैंने? अगर पत्रकारी अनुशासन में ना रहे, जिनका कार्यक्रम है उसको खराब करना चाहेंगे तो मैं उसे बर्दाश्त कर लूँ। पूरे जिले से आए, पूरे प्रदेश से आए लोग, तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात से कि ऐसे भी पत्रकार होते हैं जिनका ये अप्रोच होता है। उसके बाद 5-6 ने आके जब मैं निकल रहा था मुझसे माफ़ी मांगी कि हम उनमें से नहीं, हम थे वहाँ, हाँ आपकी बात बिल्कुल सही थी, दो लोग थे। अरे जी मैं आपके साथ रूम बैठता हूँ, आप इधर होते हैं उधर होते हैं, कौन सा व्यवहार होता है? मैं भी आपसे कहता हूँ हट जाइए हट जाइए, आप देखते, मैं कहता हूँ हट जाइए, दूसरों का कर चलने दीजिए, आप अपना खत्म करिए दूसरा चालू करें, तो ये तो करना पड़ता है। अरे लिस्ट वेस्ट छोड़िए, ये शिवराज सिंह जी बताएंगे। जो जो मेहनत कर रहे हैं सर, जिन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है आज कांग्रेस के लिए, उनके प्रति तो आप लोग आप मतलब पॉजिटिव? मैंने कहा आज के दिन सबकी मेहनत सबका जन आधार छिपा नहीं है, ठीक है, हमें जाति समीकरण देखना है, सामाजिक न्याय देखना है, हमें केवल एक उम्मीदवार को नहीं देखना, पूरे जिले का जाति समीकरण भी देखना है, सामाजिक न्याय देखना है, तो ये इतनी आसान चीज नहीं है। कोई अगर आप सबसे बेस्ट कैंडिडेट हैं एक क्षेत्र में, पर जब आपको टिकट का नाम लिख लिया पूरे जिले में आए, तब तो आप तो फिट नहीं होते जाति में, तो आप नंबर वन भी हैं, पर मुझे नंबर टू को करना पड़ेगा। सर इसके अलावा कर्ज ले रही है सरकार, कर्ज ले रही है सरकार, और कल मुख्यमंत्री ने बोला कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आपकी सरकार थी तो आप पैसे की कमी बताते थे, जबकि मध्य प्रदेश ये जो मध्य प्रदेश से पांचवें देखिए मैं आपसे मैं आपको इसका जवाब दे दूं, मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जितना कर्ज लिया है वो ओपन है, आप एक हिसाब लगा लीजिए, आप लोग सब पत्रकार हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि इन्होंने कितने ठेके दिए हैं, बड़े बड़े ठेके दिए हैं पिछले एक साल में, जिसमें कितना प्रतिशत एडवांस दिया, एडवांस का मतलब आप समझ गए, कितनी रिश्वत ली एडवांस से, ये आप जानकारी लेके मेरे पास तो है, पर मैं चाहता हूँ आप भी ले लें और आप मेरे से शेयर कर लें, साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कर्ज लेते हैं बड़े बड़े ठेके देने के लिए, अपनी कमीशन बनाने के लिए। जन आशीर्वाद यात्रा में घूम रहा हूँ, लोगों की आंखों में देखा है, और बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिलेगी इस बार चुनाव में। कभी शिवराज सिंह जी की बात सच निकलती है, मैं तो कहता हूँ ये और कहें, आज जनता मध्य प्रदेश की जनता पर मुझे पूरा विश्वास है, और मैं भी देखता हूँ जनता, अगर ऐसी हालात थी, ऐतिहासिक जीत होने की बात थी, तो उनको शासकीय तंत्र का उपयोग अपने मीटिंग में करने की क्या आवश्यकता थी,
पूरी शासकीय मीटिंग हो रही है शासकीय खर्चे पर, इससे बड़ा दुरुपयोग हो सकता है? पाप प्रेम पोस्टर जगह जगह लगाए हैं ऐसा आरोप। देखिए मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए 40-45 साल में मेरे जीवन में तो उठाई नहीं। अब इनको पाकिस्तान नहीं मिलता, इनको खालिस्तान मिल जाएगा, खालिस्तान नहीं मिलता अफगानिस्तान मिल जाएगा। हाँ, ये सब उठाते ही रहेंगे। ये असलियत में जो ध्यान मोड़ना चाहते हैं, अपनी बात करें, मेरे नाम से उनके पेट में क्यों दर्द होता है? देखिए सूची ऊंची आती रही है, पर हम इशारा कर देंगे जिनको करना है। वो सबसे मुख्य सूची होती है। तो हमारी मीटिंग है कल दिल्ली में, मीटिंग करेंगे और बहुत सारी जानकारियां तो मिली जाती हैं, बहुत सारी जानकारियां। वो जमाना गया जब सोशल मीडिया नहीं था, जब ईमेल नहीं था। आज तो सब जानकारी आपको घर बैठे बैठे मिल जाती है, कौन क्या है, कौन कितने पानी में है, ये तो घर बैठे मिल जाती है। सर्वे भी हम कराते हैं। सर सरफराज जी बोल रहे थे कल ही कि आपकी जो पार्टी आती है, मतलब कांग्रेस आती है, तो सबसे पहले हमारे जो विकास के कार्य रहते हैं उनको बंद करती है सबसे पहले। तो आपकी पार्टी जैसे अभी आने वाली है, आएगी जैसे सब कह रहे हैं, तो क्या आप सबसे पहले उनकी जो विकास के कार्य? देखिए जहाँ भ्रष्टाचार का माध्यम था वो योजनाएं उनको हम बंद करेंगे। मैंने पहले भी बंद करी थी। ये कहते थे कौन सी योजना थी भाई उनकी? संबल। संबल में कितना भ्रष्टाचार था, मैंने क्या बंद किया? बिजली की बात तो बंद नहीं करी, मैंने कहा 100 रुपए 100 यूनिट पर, ये कागज लाओ, इतने पैसे दो, इतना कमीशन दो तब मिलेगा। मैंने कहा जिसका 100 यूनिट आए 100 रुपए, अंबानी अदानी का आए 100 यूनिट उसके। तो मैंने कौन सी चीज बंद करी, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। इसका जवाब आप उनसे पूछिए या बताइए कौन सी चीज बंद करी जहाँ इनकी भ्रष्टाचार था, सर, मैंने वो बंद की। सर निवाड़ी में बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उनका ऐसा आरोप है कि उन पर बीजेपी के ही विधायक के बेटे ने हमला किया जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान, मुझे पूरी रात थाने में बैठी थी। सर कौन है ये? सर ये तो दावेदारी कर रहे हैं। सर ये जो टिकट को लेकर दावेदारी इशारा एक तरीके से कर दिया। देखिए 4,000 लोगों ने दावेदारी करी है, उससे ज्यादा, इनमें से एक नहीं कहता मैं हारने वाला हूँ। सब कहते हम जीतने वाले, पर क्या ये अपना वार्ड जीतता है, अपना गांव जीतता है, ये प्रश्न है। और चुनाव मैं समझता हूँ सर, निवाड़ी को निवाड़ी की जो घटना ये बता रहे हैं, क्या उसको इस हिसाब से नहीं देखा जा सकता कि जनाशीर्वाद उनके ही पदाधिकारी उन पे ही आरोप लगा रहे हैं? वही आरोप लगा रहे हैं। ये हो रहा है बहुत सारी जगह। देखिए मीडिया भी कुछ नहीं छाप रहा, सही बात तो ये है। कल मैं कवि सम्मेलन में था तो कवियों ने कहा कि मीडिया का काम तो हम कर रहे हैं, बात तो सही है, वो कोई छापता नहीं है जहाँ विरोध होता है। भयंकर विरोध हो रहा है इनका, लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। सर पवई में भी जन आक्रोश यात्रा के दौरान देखा गया था कि वहां पर नारेबाजी की गई कांग्रेस के विरोध में। देखिए बात ये सब अपनी नारेबाजी करेंगे, दावेदारी की नारेबाजी है, कौन सी गलत बात होगी? अगर कोई अपने दावेदारी के लिए नारेबाजी करता है तो करे। सर बीजेपी ये सवाल उठा रही है जन आक्रोश यात्रा में आपको दिग्विजय सिंह के लिए जा रहे, तो आप कब जा रहे? मैं तो होके आ रहा हूँ। सिंधौड़ा गए? सिंधौड़ा तो गया, दिग्विजय सिंह परसों जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, मैं होके आया हूँ। एक एक अपने लोगों को हमने 7 टीम बनाई है, वो सब कर रहे हैं। तो उनका कहना पोस्टर में से उनका, दिग्विजय सिंह ने खुद कहा कि मेरा नाम पोस्टर में मत रखिए। अब दिग्विजय सिंह अगर चाहते हैं उनका नाम ना हो पोस्टर में तो उनकी बात तो सबने मान ली। भोपाल मध्य प्रदेश प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कमलनाथ ने हाल ही में भोपाल में पत्रकारों के साथ आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के राजनीतिक माहौल, विधानसभा चुनाव और पार्टी के आगामी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा की। विधानसभा चुनाव और प्रत्याशियों की सूची।
कमलनाथ जी ने प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए कहा कि प्रत्याशियों की सूची आती रहेगी, लेकिन जिन्हें पार्टी को समर्थन देना होगा उन्हें समय आने पर इशारा कर दिया जाएगा। उन्होंने इसे सबसे मुख्य सूची माना और पार्टी के प्रत्याशियों के चयन में उनकी नेतृत्व का महत्वपूर्ण भूमिका बताई। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक। कमलनाथ जी ने बताया कि उनकी पार्टी कल सोमवार को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी जिसमें विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि आज के सोशल मीडिया के जमाने में जानकारियों की खोज और विपणन का महत्व बढ़ गया है और यह बैठक उनकी पार्टी के सभी सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मौका होगा जानकारियों को साझा करने का। दिग्विजय सिंह की फोटो के बारे में। पत्रकार वार्ता के दौरान एक पत्रकार ने कमलनाथ जी से पूछा कि प्रदेश की कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के पोस्टर में उनकी फोटो क्यों नहीं है। उनके इस सवाल का उत्तर देते हुए कमलनाथ जी ने बताया कि दिग्विजय सिंह ने खुद कहा था कि मेरी फोटो पोस्टर में मत रखना। उन्होंने इसे उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकता के रूप में स्वीकार किया और उनके प्राथमिकता वाले प्रत्याशियों के साथ प्रदेश के चुनावी मैदान में जुटने की बात की। इंदौर हादसे पर स्पष्टीकरण। कमलनाथ जी ने इंदौर के कार्यक्रम में हुए विवाद पर भी बात की और इसे स्पष्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि मातंग समाज की बैठक में गरीब लोग आए हुए थे और वहां 15 पत्रकार सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने उन्हें सामने से हटने की विनती की और कहा कि इसके बाद कुछ पत्रकारों ने माफी भी मांगी। उन्होंने यह भी बताया कि मीडिया में कैसा व्यवहार होता है और जिस तरह से पत्रकारों की सुरक्षा की जरूरत है। इस पत्रकार वार्ता ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी के दृष्टिकोण और पार्टी की राजनीतिक योजनाओं को समझाने का एक महत्वपूर्ण मौका प्रदान किया। उन्होंने पत्रकारों से सहयोग और समर्थन की भी अपील की और प्रदेश के चुनावी मैदान में अपने पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करने की बात की।